हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राउड स्टूडियोस। दोस्तों, आज हर कोई फिल्मों से ज्यादा वेब सीरीज देखना पसंद करता है, और वेब सीरीज की बात हो और हॉलीवुड हिंदी डब वेब सीरीज का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए ज्यादातर लोग बेस्ट हिंदी डब वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं, और आज इसीलिए हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई बेस्ट हिंदी डब वेब सीरीज की लिस्ट। और इस लिस्ट में बताई गई सभी वेब सीरीज के बारे में आपने शायद ही सुना होगा, साथ ही इन वेब सीरीज के बारे में थोड़ा बहुत बताया भी जाएगा, जिससे आपको अपनी पसंदीदा बेस्ट हिंदी डब वेब सीरीज चुनने में आसानी हो। तो चलिए जानते हैं इन अमेज़न प्राइम वीडियो की बेस्ट हिंदी डब वेब सीरीज की लिस्ट के बारे में। नंबर 1, NOS 482। ये रिलीज हुई थी 2019 में। रेटिंग मिली है इस फिल्म को 6.6 out of 10। NOS 482 एक रोमानिया शब्द है जिसका मतलब होता है वेम्पायर, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वेब सीरीज वेम्पायर पर बेस्ड है। इस वेब सीरीज की कहानी बयां करती है विक्टोरिया मैकविन की, जो एक जवान काम करने वाली आर्टिस्ट है। उसको एक दिन पता चलता है कि उसके पास सुपरनैचुरल पावर्स है, और ये सुपरनैचुरल पावर्स इमोर्टल चार्ली मैक्स को ट्रैक करती हैं। चार्ली जो कि एक वैम्पायर है और बच्चों का शिकार करता है, और विक्टोरिया को अपने आप को और बाकी बच्चों को वैम्पायर चार्ली से बचाना होता है। और यही इस वेब सीरीज की आसान सी कहानी है, जो कि पूरे तरीके से मजेदार कहानी है और काफी अलग भी है। इस वेब सीरीज की अब तक 2 सीजन आ चुकी हैं और दोनों के दोनों मजेदार हैं। नंबर 2 पे है दी पर्ज। 2018 में रिलीज हुई, 6.5 की रेटिंग है इसे। दी पर्ज शब्द का मतलब होता है नापसंद व्यक्ति, या कह सकते हैं किसी चीज को खत्म कर देना, उसे मिटा देना। दीपर्ज एक हॉरर एक्शन और एंथोलॉग वेब सीरीज है, जिसमें आपको उसके हर एपिसोड में नई कहानी देखने को मिलेगी। दीपर्ज वेब सीरीज की कहानी आधारित है यूनाइटेड किंगडम में सेट है, जहां टेरिटोरियल सरकार का शासन है, और ये ऐसी सरकार होती है जहां लोगों को वो अपने नियंत्रण में रखना चाहती है। वेल, इस सरकार का एक नियम होता है कि रात में 12 घंटों के लिए किसी को भी किसी का मर्डर करने, चोरी करने या कुछ भी गलत काम करने के लिए सजा नहीं दी जाएगी। कोई कुछ भी कर सकता है, इसीलिए ये वेब सीरीज बहुत खास है और काफी अनोखी है। नंबर 3 है फियर द वॉकिंग डेड। रेटिंग की बात करें तो 6.6 out of 10। ये एक बहुत बड़े विनाश के बाद की हॉरर ड्रामा और एक बहुत बड़ी लोकप्रिय वेब सीरीज है। आपको बता दें कि ये वेब सीरीज द वॉकिंग डेड कॉमिक बुक पर आधारित है। ये वेब सीरीज एक सर्वाइवल सीरीज है, जिसमें एक डिसफंक्शनल परिवार के जीवित रहने के संघर्ष को दिखाया जाता है। इस वेब सीरीज में दिखाया जाता है कि इस परिवार को खुद को जीवित रहने के लिए तैयार करना पड़ता है, कौशल का विकास करना पड़ता है ताकि वो जिंदा रह सके, क्योंकि उनके आसपास के सभी लोग धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी बनना शुरू हो गए और अपने साथ हर जिंदा इंसान को ज़ॉम्बी बनाना चाहते हैं, और जीवित चीजों को, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर, सभी को मारना शुरू कर देते हैं। ये वेब सीरीज बहुत ही लंबी सीरीज है, जिसके अब तक 7 सीजन आ चुके हैं और कुल 101 एपिसोड की है, और ज़ॉम्बी वेब सीरीज काफी मजेदार है। आप इस वेब सीरीज को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 4 है दीपात। रिलीज हुई थी 2016 में। रेटिंग की बात करें तो 7.2। ये एक ड्रामा वेब सीरीज है, इसमें मैरिज्म और उससे जुड़े लोगों को दिखाया जाता है। वेब सीरीज में लीड रोल प्ले करते नजर आ जाएंगे ओरन पॉल, जिनका नाम एडी लेन होता है। सीरीज की कहानी इनके और इनके परिवार पर बेस्ड है। एडी और उसका परिवार मैरिज्म मूवमेंट का हिस्सा होता है, जिसमें सभी धर्मों में से कुछ ना कुछ मिलकर बनाया गया है, और इस धर्म का एडी और उसके परिवार पर क्या असर पड़ता है, क्या मानसिकता बदलती है, ये सब आप इसमें देख सकते हैं। नंबर 5 पे है ट्रेडस्टोन। ट्रेडस्टोन वेब सीरीज 2015 में रिलीज हुई, बॉन्ड फिल्म सीरीज से जुड़ी हुई है, लेकिन इस सीरीज की कहानी और कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया और बेहतरीन है। इस वेब सीरीज में एक्शन बहुत मजेदार है, और वेब की कहानी आधारित है ब्लैक ऑप्स प्रोग्राम पर, जो उसके वर्तमान के दिनों को बयां करती है। नंबर 6, स्टार ट्रैक पिकार्ड। रेटिंग की बात करें तो 7.3। ये वेब सीरीज एक साइंस फिक्शन सीरीज है, जो स्टार ट्रैक वेब सीरीज की 8वीं फ्रेंचाइजी है। ये वेब सीरीज स्टार ट्रैक सीरीज की एक फिक्शनल कैरेक्टर जिन लुक पिकार्ड पर आधारित है। सीरीज की कहानी है 24वीं सेंचुरी के एंड के समय की, जब स्टार ट्रैक नेम सीरीज के 20 साल पूरे हो चुके हैं। इस वेब सीरीज की कहानी लूनेंट कमांडर डाटा के विनाश पर आधारित है, और इसकी कुछ झलक स्टार ट्रैक नेम सीरीज के क्लाइमेक्स में दिखाई गई। यहाँ तक कि 2009 में आई स्टार ट्रैक सीरीज की कुछ यादें भी ये सीरीज ताजा करती है। तो ये साइंस फिक्शन फिल्म आप लोगों को जरूर ले जाएगी स्टार ट्रैक की दुनिया में। नेक्स्ट है हैप एंड लिनॉर्ड। IMDb पर रेटिंग मिली है इसे 7.6 out of 10। ये एक मिस्ट्री ड्रामा वेब सीरीज है, जो आर लेसनेंट के बनाए गए नॉवेल के किरदार हैप और लिनॉर्ड पर आधारित है। हैप और लिनॉर्ड दोनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड है, जिनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब हैप की पत्नी उन दोनों को पैसा कमाने का एक बेहतरीन स्कीम बताती है, और दोनों को समझ में आ जाता है कि पैसे कमाने की बताई गई साधारण
और आसान से स्कीम बहुत मुश्किल है। अब दोनों उस स्कीम से बाहर निकलने का कोई तरीका ढूंढते हैं क्योंकि दोनों ही उसे नहीं करना चाहते। अब इसके लिए उन्हें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये तो जब आप वेब सीरीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा। वेल, इस वेब सीरीज को आपको जरूर देखना चाहिए, आप बिल्कुल भी नहीं थकेंगे इस सीरीज को देखते हुए। इस वेब सीरीज के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं और अफसोस है कि इन 3 सीजन के बाद अब कोई नया सीजन नहीं आएगा, लेकिन जो मजा आपको इन 3 सीजन में देखने को मिलेगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और रोमांचक होगा। नंबर 8, एमसी माफिया। एमसी वेब सीरीज एक क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है जो 2018 में रिलीज हुई नॉवेल पर बेस्ड है, जिसका नाम था एमसी माफिया जर्नी थ्रू द ग्लोबल क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड। से इस वेब सीरीज की बात करें तो इस सीरीज में एलेक्स गॉडमैन किरदार को दिखाया गया है। एलेक्स एक बिजनेस टाइकून होता है जो अपने परिवार के काले और खौफनाक इतिहास को भूलकर एक शांत माहौल और अकेला रहने की कोशिश करता है, लेकिन एक दिन हुए मर्डर की वजह से उसके परिवार के माफिया का चेहरा दुनिया के सामने आ जाता है, जिसके बाद एलेक्स को अपने परिवार में चाहने वालों को सुरक्षित करना पड़ता है, जिसके लिए वो फिर से क्राइम की दुनिया में कदम रखता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे इंडियन टैलेंट एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फिल्म में अपना एक बिजनेस पार्टनर के तौर पर कैरेक्टर प्ले किया है और काफी माइंड ब्लोइंग है, और इसीलिए इस वेब सीरीज को एक बार देखना तो बनता है। नंबर 9, दी टेरर। तो इस वेब सीरीज में आपको ड्रामा देखने को मिलेगा, हॉरर देखने को मिलेगा और एंथोलॉजी भी। मैं बार बार एंथोलॉजी की बात कर रहा हूं, तो एंथोलॉजी वेब सीरीज वो होती है जिसमें हर एपिसोड में नई कहानी हमें देखने को मिलती है। ये वेब सीरीज भी 2007 में आई डैन साइमन की नॉवल पर आधारित है। इसके पहले सीजन में दिखाया जाता है कि रॉयल नेवी के 2 जहाज नॉर्थ वेस्ट पैसेज की तलाश में किंग विलियम और इंग्लैंड की तरफ चले जाते हैं। वहाँ एक मायावी खतरा उनकी परेशानी बढ़ा देता है जिसकी वजह से वो लोग वहाँ फंस जाते हैं। ये वेब सीरीज खौफनाक और भयानक मौत की है जो एक जहाज पर होने लगती है जिसमें जापानीज और अमेरिकन लोग रहते हैं। वर्ल्ड वॉर टू के समय की है ये। खास बात तो ये है कि ये वेब सीरीज हॉरर और सस्पेंस से भरी हुई है जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज में जहाज के कप्तान पर आई मानसिक दबाव को दिखाया जाता है जिसमें उसे 2 रास्तों में से किसी एक को चुनना होता है। अगर आपको सर्वाइवल वेब सीरीज पसंद है तो ये आपको जरूर देखनी चाहिए, आपकी लिस्ट में जरूर शामिल होनी चाहिए। नंबर 10 है टॉम क्लैंसी एंड जैक रायन। ये रिलीज हुई थी 2019 में, रेटिंग मिली है 8.10। जैक रायन सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो की ओरिजिनल सीरीज है। ये सीरीज टॉम क्लैंसी द्वारा लिखी गई नॉवेल जैक रायन के किरदार पर आधारित है। इसके पहले सीजन में दिखाया जाता है कि सीरीज का लीड कैरेक्टर CIA एनालिस्ट होता है जो ऑफिस से निकलकर ग्राउंड ड्यूटी करना चाहता है, और उसकी एक रिसर्च की वजह से उसे फील्ड पर काम करने का मौका मिलता है जिसमें वो एक विचित्र बैंक ट्रांसफर की जानकारी से अपने आतंकी तक पहुंच जाता है। वेब सीरीज के दूसरे सीजन में जैक रायन को भ्रष्टाचार, पॉलिटिक्स और उसके कारण हुए सामाजिक हानि से लड़ते हुए उसे दिखाया गया। आखिर में उसे एक बहुत बड़े आतंकी से लड़ना होगा। सीरीज में कमाल का एक्शन और थ्रिलर दिखाया गया। ये वेब सीरीज आपको बहुत पसंद आने वाली है। इस सीरीज के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं जिसके लिए आपको कुल 16 एपिसोड देखने होंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी अमेज़न प्राइम वीडियो की बेस्ट हिंदी वेब सीरीज की लिस्ट, जिनको देखकर आपको लगेगा कि ये होती है एक पूरी एंटरटेनमेंट से भरपूर वेब सीरीज। आपको इनमें से कौन सी वेब सीरीज अच्छी लगी, आप कौन सी वेब सीरीज देखने वाले हैं, आप इनमें से वेब सीरीज कौन सी देख चुके हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।